शिवेंद्र चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं टूच। इस समय देश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी सम्मानित करेंगे शिक्षक दिवस के अवसर पर हमारे साथ शख्स इसमें मौजूद है हम इसे जानकारी लेते हैं कि तो उनके अंदर क्या इसमें क्या महसूस कर रहे हैं और ये क्या मतलब अभी आप पांच सितंबर को सभी लोगों को मेरा नमस्कार और मैं ये जो महसूस कर रहा हूँ कि जो हमारे शिक्षक समुदाय है जो बड़े हमारे गुरुजन हैं जिनका स्नेह है, प्यार मिला और मार्गदर्शन मिला बिना गुरु को ज्ञान नहीं मिल सकता तो मेरा कहना है कि उन्हीं लोगों के आशीर्वाद से और अपनी मेहनत कर्मठी से मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूँ और प्रयास करूंगा कि आगे भी कहाँ तैनात है मेरी प्रथम नियुक्ति सर प्राथमिक विद्यालय नक्शा बक्सा क्षेत्र ठौरा में हुई सत्ताईस ग्यारह उन्नीस सौ निन्यानवे में उसके बाद मेरी पदोन्नति हुई एक तीन दो हजार एक आठ दो हज़ार तीन में और विगत दो दो जगह और मेरा ट्रांसफ़र हुआ समायोजन में पूर्व माध्यमिक विद्यालय से सेखुई और पूर्व माध्यम विद्यालय बरगदही बसंतनाथ और उसके बाद सर मेरा ट्रांसफर जो उस समय हो गया 2013 में पूर्व माध्यमिक विद्यालय कुआचाप क्षेत्र पनीरा लेकिन अब इसमें है कंपोजिट विद्यालय है और मैं उसी जगह तैनात हूँ सर यूपी में लगभग पचहत्तर जिले हैं पचहत्तर जिले में आप एक ऐसे सकते हैं जो महाराजगंज के लिए बेहद गौरव की बात है आप चुने गए हैं और अपने सहयोगी अपने सहयोगी जो आपके साथ टीचिंग का काम करते हैं पढ़ाने के काम करते हैं जो लोग हालांकि आप खेल कूद से भी आते हैं उनको आप किस तरह के सीख देना चाहते हैं किस तरह का आप उनके अवलोक ताकि आप लोग से कुछ सीख भी लो मैं सर यही कहना चाहूँगा कि निरंतर जो कार्य जो है करते रहना चाहिए कर्म करेंगे तो फल मिलेगा ही और ये सबसे बड़ी है कि ये जो पुरस्कार मिल रहा है कि विभिन्न क्षेत्रों में कार गेम में है स्काउटिंग में है दिव्यांग बच्चों को मैंने नेशनल तक पहुंचाया है मैं खुद इंटरनेशनल कार्यक्रमों में स्काउटिंग में पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में भी रहा हूं उत्तर प्रदेश का कैंडिडेट लीडर रहा हूं राष्ट्रीय जम्बूरी नई दिल्ली में मैं उत्तर प्रदेश का भी कैंडिडेट लीडर ली रहा हूँ फाइनरी के क्षेत्र में और वहाँ प्रदेश इंडिया लेवल पर दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था हमारे प्रदेश को तो सर इन विभिन्न छोटे छोटे कार से ही बहुत बड़ा अचीवमेंट मिल जाता है सर आज आपको जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी आशीष सिंह जी ने सम्मानित भी किया आपको क्या गौरव की बात है क्या गौरव की, की बात है सर कि पहले तो हम वहाँ पहुँचे हैं तो हमारे उनके ड्राइवर सर ने पर्चे कराया तो उन्होंने बहुत सम्मान से मुझे बुलाया और कहा कि मैं आज आपको जो है अपने हाथ से मिठाई खिलाऊंगा सर तो अभी दो चार फोटो भी उन्होंने खींचा अभी भेजेंगे और अपने हाथों से जो है मुझे मिठाई खिलाया और आत्मीय रूप से मैं बहुत गदगद था कि मेरे जिला जिले का मुखिया मुझे इस तरीके से सम्मान दे रहा है और मैं बहुत भाव भी था पाँच तारीख को मुख्यमंत्री जी आपको सम्मानित करेंगे आपको लखनऊ जाना भी है कब तक क्या क्या, क्या प्रोग्राम सर तो अभी लखनऊ के उम्मीदें कम है क्योंकि दस लोग को वहाँ मुख्यमंत्री का कार्यक्रम में बुलाया जाएगा और पैंसठ लोगों को जिले पर ही जो है जनप्रतिनिधि हैं डीएम साहब हैं वे सम्मानित करेंगे सर तो अब उन हमको लग रहा है कि हम लोग यहीं जनपद पर ही सम्मानित क्योंकि अब करेगा कि दस लोगों कौन होंगे ये थे हमारे साथ अनिरुद्ध निराला जी जिनको मुख्यमंत्री जी ने पाँच आ, आ, सितंबर को आ, आ, सम्मानित करने के लिए इनका नाम जिले से गया हुआ है और जिले के लिए बेहद गौरव की बात है शिवेंद्र चतुर्वेदी डाइनामाइट न्यूज महाराजगंज

Thank you.